हेलो दोस्तों, माय नेम इज सचिन एंड आप सोच रहे होंगे कि ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है। तो मैं बता दूँ कि मेरा भी एक हिंदी गेमिंग चैनल है जिसका नाम है क्विजार गेम्स। लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, जाइए क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखिए मेरी वीडियो। थैंक यू इंडियन गेमर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। हम मिलेंगे मेरे चैनल में, बाय बाय। जाइए वो सब्सक्राइब बटन क्लिक कीजिए। Hi guys, welcome to the Indian Gamer channel. हम खेल रहे हैं Spintires और जानते ही हैं हम लोग निकले हुए हैं बग्गी लेके। मैं इसे बग्गी कहूंगा, रॉक क्रॉलर नहीं कहूंगा क्योंकि मुझ पे नहीं बोला जाता। लेके निकले हुए क्लोकिंग लेने के लिए। कितनी क्लोकिंग बची थी? दो बची हैं गाइज, दो बची हैं। ठीक है, एक रही ये और फिर दूसरी रही ये। फटाफट इसके लेके निपटा के अपन लोग लंबर की तरफ निकलते हैं एक कोई ट्रक लेके, और फटाफट नदी के उस पार वाला जो ऑब्जेक्टिव है वो तो कंप्लीट कर ही दें। जाना का पीछे आना, पीछे किधर से जाऊंगा यार, मैं पीछे किधर से जाऊं? तो जस्ट पीछे आने को कह रहा है। गाइस एक जगह जा तो रही है, रोड तो नहीं लग रही है मुझे लेकिन कुछ जा तो रहा है, तो पीछे से ही हो लेते हैं फिर भाई, जैसा आप कहें मैप साहिब। इसकी ड्राइविंग बड़ी रियलिस्टिक, सही में बहुत अच्छा व्हीकल बनाया है। हिलिक्स शगी देखें तुम यहां कैसा परफॉर्म करते हो, उबड़ खाबड़ जगह ही, अब तक तो मैं रोडों पे चला रहा था। सही चल रही है यार, ये तो उधर जाने को क्या है। ना, पेड़ बहुत हैं। रोड भी चलो, कोई ना कोई रास्ता जा रहा होगा। अच्छा, इस मैप में एक अच्छी बात है, चौड़ी चौड़ी रोड हैं, खूब मजे लो आप पूरे। देख रहे हो गड्ढा, देखा आपने, बीच रोड पे गड्ढा है। और बताऊं जब आप, सबसे खतरनाक गड्ढा कहां पर होता है, जब आपकी प्लेन रोड चल रही हो फिर अचानक गड्ढा आ जाए। सही बता रहा हूँ, मेरे साथ बड़ा भयानक एक्सीडेंट हो चुका है, बड़ा ही भयानक। 800 के साथ हम जा रहे थे, बड़ी कमाल की रोड थी, बड़ी कमाल की रोड, और मस्त मैं तो चला रहा था, 800 को भी 110 टच कर रही थी और वो अचानक गड्ढा आया। और आप सोचो छोटी सी प्यारी सी कार 800, धाड़ धूड़ धाड़, मम्मी ने चार चांटे लगाए कि कैसे चला रहा है। कहीं हम कहीं एक नर्सरी से कुछ पौधे भी ला रहे थे, वो सारे पौधे आगे आ गए, बड़ा भयानक था। मतलब एक्सीडेंट होता है ना उसके काफ़ी क्लोज आ चुके थे हम, एक्सीडेंट तो नहीं हो सकता क्योंकि किसी चीज़ से नहीं टकराए थे, ऊपर वाला करे ना ही टकराएं। एक बार को टकराने से डर नहीं लगता, मेरी मम्मी को तमाचों से बहुत डर लगता है। आई जी की दुख भरी कहानी। आई जी की तो बड़ी कहानी, क्यों कहानी हर घर की, कौन सा लौंडा नहीं पिटता यार। यह हमारी आखिरी क्लोकिंग है, ये कहां से आया ससुर। ब्लू भैया तुम यहां क्या कर रहे हो अकेले में। चलो ब्लू तो मिल गया, एक सेकेंड, ब्लू यहां खड़ा क्या कर रहा है। ओके, गराज तो है ही, गराज के बारे में पता है, गराज पे 4320 भी। और इधर जा रहा हूँ मैं दूसरी ऑब्जेक्टिव की तरफ, उधर एक फ्यूल पॉइंट भी है, तो चलते रहते हैं सीधे सीधे, देखें मंजिल कहाँ ले जा रही है। तेरी ये कैसी गुफा सी है, ओ भाई साहब, अरे भाई साहब ये कैसी गुफा सी थी, पूरा बड़ा सा पत्थर है उसके नीचे से रोड आ रही है। सही सही मैप है यार, रही अपनी क्लोकिंग। हिलक्स शगी ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन मैं आगे भी मैप ये देखे, ऑब्जेक्टिव है फ्यूल है, आगे भी देखी आए। K700 खड़ा हुआ है, उसको भी अनलॉक कर ही दें हाथों हाथ। चलिए जी,
अपनी बग्गी ने तो पूरा काम कर दिया। ये K700 को मैंने आज़ाद कराया। ये देखिए ड्रिफ्ट बेहतरीन। ये देखिए ड्रिफ्ट। अरे फ्यूल भरवा लो, ड्रिफ्ट मत दिखाओ और फिर लंबर लेन में निकल रहे हैं। चलो फ्यूल भी भर गया। 40 लीटर बिल्कुल ही नहीं पीती यार ये तो कार। अब मैं क्या करता हूँ, अपने पास कौन से ट्रक हैं वहाँ पे? पहले मैं गराज की साइड गया। गराज पहुँचे हैं हम। गराज ओराल खड़ा हुआ है तो मैं इसी को लेके निकलूं। उधर के मुझे पूरे करने हैं। अरे मैं आपको इसका पूरा ट्रक का टूर कराऊंगा। अभी रुको आप एक सेकंड, रुक जाओ। इसका मैं आपको ट्रक का टूर कराता हूं। पहले मैं लेके निकलता हूं। एक सेकंड, वहां पे भी खड़े हुए हैं ट्रक्स, उनको तो लाना पड़ेगा गराज पे और फिर उनके अंदर कुछ लगाना पड़ेगा, फिर वो काम आएंगे। फिलहाल ये दो ट्रक अपने खड़े हुए हैं। पहले मैं आपको इस ट्रक का टूर कराऊंगा आज। चलिए क्या क्या मिलता है हमें इसमें। ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसमें। कैरिज विद क्रेन तो आप जानते ही हो। बीकन्स लग जाएंगे। बीकन्स जैसे थोड़े से डिस्ट्रैक्टिंग होते हैं, लेकिन एक और बात बताऊंगा आपको, कुछ चीज़ें जो हैं ट्रकों में तब लग पाती हैं जब आपके में बीकन्स लगे हों, जैसे कि बहुत हैवी मशीनरीज हों, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। लेकिन फिलहाल जो है मैं अभी जल्दी जल्दी करता हूँ जो भी हमें करना है। इस ट्रक का मैं आपको धीरे धीरे टूर कराऊंगा। एक सेकंड गाइस, एक सेकंड, मैं आपको अभी एक बात बताता हूँ। देखो वहाँ पे खड़ा हुआ है एक गराज है, वो अनलॉक तो करना ही है हमें। पहले आज गराज अनलॉक कर लें। पहले मैं आपको बताऊँ, गराज अनलॉक कर लेते हैं, यही बात कर लेते हैं, गराज ही अनलॉक कर लेते हैं। तो गराज अनलॉक करने के लिए 4 पॉइंट चाहिए होंगे। तो एक तो ट्रेलर लग जाएगा, कोई और ऐसी चीज़ है जो 4 पॉइंट दे सके? ये ईवाक, ये जो भी चीज़ है ईवाक, तो एक ही बार में नहीं ये पूरा मिल सकता मुझे? कोई ऐसा इसमें अटैचमेंट हो जो एक बार में पूरे 4 गराज पॉइंट्स पहुंचवा दे? ना है, ना है मुन्ना, ना है, ना है ससुर। घोर अन्याय है ये तो। तो फिर मैं यही वाला लगा लेना, अपना काम तो हो ही रहा है यार। एक सेकंड, एक सेकंड, वाह जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, एक आइडिया आ गवा। ये कहाँ गया आईफा? ये वाला ट्रक है, इसमें तो मेरे ख्याल से 4 पॉइंट्स ले आ सकता है। जितना इसका साइज है उतना ही काम करेगा। ये शॉर्ट लॉक्स ले आ सकता है। अरे यार गराज पॉइंट की बात कर, शिट यार 1 पॉइंट से रह गया ये। आप देख रहे हो 2 गराज पॉइंट तो ये ले आ ही सकता है और साथ में ये 1 गराज पॉइंट ले आ सकता है। पंगा बस ये हो गया, 3 ले आ पा रहा है, नहीं तो ये अनलॉक कर लेगा। उसी को ले आते हैं, ओराल को ही ले आते हैं फिर। ऑप्शन वा नहीं है हमारे पास। चलो मैं जोड़ूं पहले इसमें। कहाँ गया वो? ये नहीं, ये नहीं, कौन सा था वो, कौन सा था? 2 वाला गराज ट्रेलर जुड़ गया और एक और था, कौन सा वाला था? मुझे ये ध्यान नहीं आ रहा अभी कौन सा था भाई। इसमें ऑप्शंस भी देते ना ढूंढने में टाइम। ये वाला, यस, बढ़िया लग रहा है यार, देखो आप, है ना, सही बनाया हुआ यार। चलो अपने 4 पॉइंट तो हो ही गए और ऑप्शन ही गया है अपने पास। और कुछ करना है अपने को? बस यही, ये अपना हो गया ना पूरा। अच्छा प्लान क्या है वैसे? फिर प्लान अब डिस्कस कर लिया जाए पहले चलने से पहले, फिर ऐसा ना हो सफ़र लंबा है, क्योंकि गराज काफ़ी दूर है यार वो। अच्छा ओके, मेरे दिमाग में ना कारिस्तानी आ रही है, मैं आपको सही बात बताऊं। पता है क्या आइडिया आ रहा है मेरे दिमाग में?
यहां से मैंने कोई नदी को पुल क्रॉस किया था क्या किया था इस जगह को मैंने अरे ये पत्थर वाली जगह है क्या यहां से मैंने पुल क्रॉस ध्यान नहीं आ रहा मुझे यार अरे इधर से मैं आया ही कहां हूं इधर से घंटा आया हूं मैं तो इधर से आया हूं ये पूरा ट्रेल बन तो रही है तो फिर ये क्या जगह है ये तो देखनी पड़ेगी यार नदी के ऊपर से यार ये पुल ये भी है ये पुल इस पुल से तो आया था मैं ट्रेन वाले यार रहस्य हो रहा मेरे दिमाग में आइडिया गाइस ये आ रहा है जैसा कि आप जानते हो सर्कस के बिना अपना काम चलता नहीं है सीधे सीधे काम होते हैं लेकिन अपन करते हैं सर्कस मैं क्या कह रहा हूं थोड़ी सी लंबर लिए ले रहे हैं ठीक है गराज पॉइंट्स और लंबर एक साथ लेके चल रहे हैं तो मैं आईफा को ले रहा हूं और लंबर लेके आता हूं और दोबारा उससे इधर ही आके मिलता हूं ये ज्यादा बेटर है चल भाई आईफा अवार्ड्स तुम्हें 2 पॉइंट्स लग जाते हैं और तुम्हें क्या क्या लग जाता है तुम 1 पॉइंट गराज पॉइंट ले आ सकते हो उसकी जरूरत ही नहीं है भाई मेरे अब मेरा दिमाग और काम कर रहा है नहीं कुछ ज्यादा ही काम कर रहा है मैं ऐसे से फटाफट प्लान चेंज करता हूँ इस पे मैं वैसे क्या क्या ले आ सकता हूँ देखिए एक ट्रेलर तो है जो कि शॉर्ट लॉक्स ले आ सकता है तो मैं टोटल इस पे 4 पॉइंट्स ले आ सकता हूँ ठीक है भैया समझ में आ गई बात लेकिन तुम्हारा जो साइज है ना वो मुझे थोड़ा सा डरा रहा है क्योंकि कौन सी ये तुम मुझे लग रहे हो बी क्लास टाइप के ट्रक वो तुम्हारी पावर तो भी पता चलेगी काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है आप देखो इस ओल्ड सा है ना पूरा रस्टी सा लुक आ रहा है इसका जंग लगा हुआ सही है यार लेकिन मैं बताऊं पंगा पता अपना कहाँ होगा पंगा अपना होगा अच्छा मैंने इसके टायर वगैरह कुछ भी चेंज नहीं करवाना ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी एक बार बस मैं लंबर लेके निकल लूँ बाकी तो वो उराल काम कर लेगा उससे ही खिंचवाएंगे हम यानी कि टोटल अपने 2 ट्रेलर खींचेंगे और 2 ट्रक्स एक रोड ट्रेन जाएगी गराज पॉइंट्स लेके 4 गराज पॉइंट्स लेके जाएंगे हम एक साथ और 4 ही लंबर पॉइंट्स तो उस साइड जो एक आध ऑब्जेक्टिव है ना उसके 4 पॉइंट्स पूरे हो जाएंगे वैसे तो प्लान तो मेरा ये था कि मैं इधर के 4 पॉइंट पूरे करूं लेकिन चलिए जो ही अब डिसाइड हुआ है वो करते हैं अब देख लो ये ट्रेलर भी काफी ऊंचा सा बनाया हुआ है देखो आप मुझे इस पे एक चीज पर शक है छोटे ट्रक पे ये लंबर खींच पाएगा नहीं खींच पाएगा भाई सीरियसली बता रहा हूं आप देख रहे हो उसके पहिए भी ऐसे कुछ ज्यादा बड़े नहीं है ये स्ट्रगल देख रहे हो आप इसकी थोड़ी सी चढ़ाई आई चलो गाइस अब ले लिया है तो ले लिया है देखें कितनी स्ट्रगल करवानी पड़ती है इसके साथ अब मैं ये दिखा रहा था आपको देख रहे हो आप इसका ट्रेलर कितना ऊंचा है कहीं गड्ढे वड्ढे वाली जगह हो तो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है नाम भी इसका ट्रक अच्छा आईफा चलिए गाइस आज भी देखें ये भी कुछ ज्यादा अच्छा वो मुझे देखना है यार मैं वो उधर से मैं नहीं आया हूँ ना मुझे ये नहीं पता कि अभी मैंने एक पूरा इलाका देखा नहीं है मैं आपको बताऊं वो मुझे देखना वो थोड़ा सा रहस्य लग रहा है वो रिवर कैसे क्रॉस हो रही है वो मैं देखता हूँ एक पुल देखा अभी तक तो मैंने रिवर के ऊपर तक का इसको मैं डायरेक्ट नहीं चढ़ाऊंगा इसको मैं प्यार से ही चढ़ाऊंगा जिधर से रास्ता जा रहा क्योंकि मैं बताऊं उसमें दम मुझे लग रही नहीं चढ़ा पाएगा अरे चल भाई चल मैं तू दिक्कत बिल्कुल परेशान मत हो तेरे को मैं गराज तक ही लेके जाऊंगा और तू बिल्कुल परेशान मत हो क्योंकि अब मुझे एक आइडिया आ गया 6522 खड़ा हुआ है यहाँ पे उसको गराज में तो पहुंचाना ही था उसकी मदद ले लेंगे
वो तो तू गैराज पर आराम से पहुंच ही जाएगा। ये आप देखो, ये हो गया कांड। ये ट्रक वास्तव में छोटा है ना ये। चल भाई चल, चल भाई चल। ये बिल्कुल लंबा नहीं लिया जा सकता गाइस। मुझे एक शक हो रहा है कि पीछे, हाँ टू वो नहीं, वो शॉर्ट लॉक्स के लिए ही है। मुझे लगा ये वो फोर पॉइंट्स ले आने के लिए। पक्की बात है इसमें शॉर्ट ही आएगा। चलिए गाइस अपना लंबर भी आ गया, मैं सीधा सीधा खड़ा करके नंबर पॉइंट्स डलवा लूं। चलिए भाई शॉर्ट लॉक्स तो दे दीजिए आगे वाले में, ये तो आसानी से लोड हो गए। कैसे लॉक्स हैं इसमें देखूं? अरे इसमें तो वैसे स्क्वायर वाले लॉक्स हैं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मजा आ गया यार। का टेलर क्यों नहीं आ रहा? टेलर स्क्रीन नहीं आ रहा, जो शायद वो लंबर के एरिया में नहीं है। चलो अब तो आएगा, उसमें भी लग गई। बढ़िया लग गई ना? यस, उसमें गोल वाले लगते हैं। वाह भी वाह, इसमें स्क्वायर और उसमें गोल वाले, उतारो और घर बना लो फटाफट। चलिए जी गाइज अपने फोर पॉइंट्स तो रेडी हो गए, लेकिन अब ये बात पक्की है ये अकेला नहीं जा पाएगा ट्रक, गारंटेड। मैं इसको 6522 से मदद ले रहा हूँ, फौरन गराज में पहुँचवाएगा। इसको भी गराज में पहुँचाना तो है ही। चलो भाई 6522 पॉइंट ड्यूटी का टाइम आ गया। ये सही आइडिया आ गया यार, मुझे पता लग रहा था कि ये पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा वगैरह वगैरह, लेकिन अब 6522 है ही तो फटाफट पहुंचवाएगा ये। अब तो कोई पंगे ही नहीं है साहेब। आओ भाई आओ। और 6522 तो आप जानते ही हो, अच्छा खासा ताकतवर ट्रक है। तो फोर पॉइंट भी फोर पॉइंट्स होते हैं यार, वो बहुत छोटा ट्रक है। वो मुझे देखने से ही लग रहा है कि बी कैटेगरी का है, और उससे आप जानते हो बी कैटेगरी के ट्रकों का क्या हाल होता है। ब्लू जो है, खैर ब्लू तो और भी ज़्यादा कमज़ोर है क्योंकि वो तो 4x4 भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप जानते हो कि टू शॉर्ट लॉक्स में ही उसका क्या हाल होता है। और फिर आप उम्मीद करोगे ये फोर लॉक फोर पॉइंट्स ले जाए। ये मोड़ना थोड़ा ढंग से होगा, हमें ऊपर से नहीं मोड़ूंगा वरना पंगा हो जाएगा। अब मोड़ूंगा, अब आ जाओ आप, वरना उधर से मोड़ता ना मैं पलटने का डर था। तो आ गए उतर गए, ठीक से आ गए सब, बढ़िया आ जाओ। विंच मैंने लॉन्ग ही रखी है वरना वो आपस में टकराएंगे फिर डैमेज लेंगे। ये मुझे लग रहा है ना स्पीड में लिया ना डैमेज ना देगा। ये देखिए डैमेज नहीं उसमें, चलिए आ रहा। अच्छा ये रोड के बीचों बीच पेड़ खड़े हुए ना, ये एक्सीडेंट के सबसे खतरनाक रीजन हो सकते हैं। बिल्कुल रोड पे खड़ा हुआ है। सही यार 6522 सही मिल गया, बहुत सही स्पीड पे यार, वरना बड़ा स्लो चल रहे होते और स्ट्रगल हो रही होती। लेकिन उस चीज़ का भी अपना ही मज़ा है ये देखने में कि क्या छोटा ट्रक अपनी फुल कैपेबिलिटी पे काम कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये भी देखने में अपना ही मज़ा होता है। ये तो पता ही है कि हम उससे एक्स्ट्रा काम करवा रहे हैं। बहुत उठा पटक मच रही है पीछे। अच्छा मैंने गौर नहीं किया 6522 जो अपना मिला हुआ है सही मिला, पूरा फ्यूल व्यूल उसमें भरा हुआ है, कोई डैमेज नहीं है।
आपने एक चीज नोटिस करी, कभी जब हम चढ़ाई करते हैं तो थोड़ी देर के लिए ट्रक रुक जाते हैं, वो एक्चुअली में पता क्या है, गियर चेंज हो रहा होता है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हो काफ़ी ये गेम जो है रियलिस्टिक फिजिक्स पे है, जो गेम में और रियल वर्ल्ड में ज़्यादा अंतर नहीं करती। तो जैसे आप चढ़ाई कर रहे हो ना, जब तक चढ़ सकता तब तक तो चढ़ता है, और फिर जब उसे गियर डाउन करना पड़ता है ना, तो एक मिनट की एक सेकंड के लिए रुकेगा, फिर गियर डाउन होगा, फिर आगे बढ़ेगा। आप कभी आगे नोटिस करना इस चीज़ को। ये उठा पटक मुझे डर ये लग रहा है, मुझे कहीं पलटा ना दूँ, मेरे उसको ले आना लंबर को उस साइड नदी के उस पार, और मैं यहीं ना पलटा दूँ। चलिए गाइस, अच्छी बात हुई, हम तो एक 6522 भी ले आए फ्री फंड में। एक तीर से दो मेढक मारे हैं मैंने, कहावत की देखी आपने, मैंने कैसे धज्जियाँ उड़ाई, एक तीर से दो मेढक। चलो जी, अगर कोई रिपेयर शिपेयर चाहिए हो तो वो भी ले लो। ये खड़ा किया हमने 6522 को, अब अपना वो तो तैयार है ही, दूसरा वाला उराल। उराल मेरे लाल, अब तू आ जा, उसकी आवाज सुना प्यारी है, काफी अच्छी आवाज है इस ट्रक की। और ये सामने वाली रोड पे हम नहीं गए गाइस, इस पे चलते हैं, अब देखेंगे हम क्या होता है। आईफा अवार्ड, अब थोड़ा सा ना जिम्मेदारी से हमें जाना पड़ेगा, लेकिन जितना हैफजर्डली में लेके आया हूं ना उतना हैफजर्डली चलेगा नहीं। एक तो अनजान रास्ता है वो वाला, चलिए गाइस आज का गेम यहीं पे खत्म करते हैं हम लोग, इसको हम लोग हॉल करते हैं अगले एपिसोड में। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और बहुत अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में स्पिन टायर्स के, उराल और आईफा के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।